रणछोड़ लैंड की गलियां हैं, ये बाजार हैं, व्हील अलार्म, शॉकर, मडगार्ड, चैन कवर, चैन और पता नहीं क्या क्या मिलता है यहाँ पे ना। ये ग्राउंड है बहुत बड़ा, गंदगी से भरा हुआ ग्राउंड है ये। फंस जाएगा, सीधे आप पे जाना है। अंदर पता नहीं कौन सा गटर है, कौन सा खुला हुआ है। ये आ गया रणछोड़ लैंड, रामस्वामी है ना। हाँ ये रामस्वामी स्टार्ट हो गया। ये अब रामस्वामी की पहली गली में लेना उल्टे हाथ पे, ये वाली गली। कहाँ चला गया ये? ये है रामस्वामी, सूरत हाल है वो ये है। रो सीधा तुलसीदास स्ट्रीट,
ये रामस्वामी का इलाका और ये हाल है, गटर निकाल रहे हैं लेकिन पानी कहाँ तक जाएगा, पानी की जगह जाने की नहीं है, पानी की जगह के लिए इनको सुराख करना पड़ेगा। तुलसीदास बासुन, एक मिनट रोक। थोड़ा सा मैं जबानी बता दूं इसी में वीडियो में। अच्छा एक मिनट, इधर मुंह कर लो, इधर कर लो। ओके अच्छा ये है तुलसीदास स्ट्रीट, यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। अच्छा कहने वाले कहते हैं, बल्कि कहने वाले क्या कहते हैं, ये चारों तरफ ऐसे ना दरख्त ही दरख्त थे, यानी कि एक रोड बीच में जा रहा है और दरख्त ही दरख्त थे, एक से एक नस्ल का दरख्त था। और यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी होती थी, ठीक है, वो मैं आपको दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। ये है तुलसीदास स्ट्रीट। ये आ गए हम लोग दोबारा तुलसीदास स्ट्रीट पे, रामस्वामी के अंदर ही हम लोग। गंध से भरा हुआ है ये तुलसीदास स्ट्रीट। जहर से जहर मिला हुआ था आपस में ना, आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले हुए थे कि साया था, धूप का साया, धूप नीचे नहीं आती थी मतलब ज़मीन पे, और सारी अब जिसको बग्गी कहते थे ना, घोड़ा गाड़ी तो पुराने अल्फाजों में उसको बग्गी कहते थे कि बग्गी पे जाना है, तो बच्चे लोग यहाँ बग्गियों पे होते थे, लेन से घोड़ा गाड़ी पूरी खड़ी होती थी, आगे उनका चारे की दुकान भी थी, बहुत अच्छी सी एक रौनक वाला एरिया था ये। किस टाइम की बात बता रहे हैं? ये सर मैं बता रहा हूँ, कम से कम चले जाओ आज से अगर 45-48 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 48 साल पुरानी बात। जब मैं यहाँ छोटा था दुकान को मेरी कम से कम 55-56 साल तो मेरी दुकान को हो गया, मैं अपना बचपन ही अपने वालिद साहब के साथ गुजारा। पहले मेरी साइकिल की दुकान थी, अब वहाँ साइकिल वगैरह बनाते थे, साइकिल किराए पर देते थे, उसके बाद कैरम बोर्ड की दुकान बनाई, फिर अभी 91 में मैंने ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान बनाई, बस यही दुकान है मेरी, बस कदीमी दुकान है ये मेरी। और ये जमशेद बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी जो पीछे रहते थे ना सारे सिख रहते थे। अभी भी कुछ ना कुछ बचे होंगे सिख? नहीं नहीं सिख नहीं है सर, सब चले गए। जब चले उस बुनियाद पे गए ना, जब ये बंटवारा हुआ ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उस टाइम वो चले गए यहाँ से। आगे कदीमी एक मंदिर भी है, आगे राजकोट हॉस्पिटल के आगे जाओगे तो एक पुराना मंदिर है, लेकिन अभी उसमें मूर्ति नहीं है, लेकिन वहाँ जाके लोग जाते थे, दिया वगैरह जलाते थे। और ये स्कूल है पीछे वाला कहलाता था, ये पूरी स्कूल थी ये सामने, स्कूल के अंदर हालात ऐसे थे कि रात की टाइम यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता, लोगों से सुना पुराने लोग। में तो आज भी रात के टाइम गुजरना बहुत मुश्किल है। नहीं ये तो हम बंदों से ही अल्लाह आदम की जात से डरने लग गए अपने ना। ये जो रात में गुजरना मुश्किल हो रहा था, क्या चोरी चकारी की वजह से? नहीं नहीं, और चक्कर था, यहाँ साया था, लोग बता रहे थे कि यहाँ साया था, वो हमें तो ये डराते थे कि यहाँ चुड़ैल, चुड़ैल का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, एक साया था।
लेकिन है जिन्नात तो हर जगह पाए जाते हैं। मशहूर हो गई होगी साई वाली गली। नहीं, ये जो गली है ना, ये गली है तो आबादी नहीं हुई भाई। पीछे वाली गली थी तो आबादी नहीं, ये तो आबादी नहीं हुई क्योंकि ये स्कूल का पूरा अहाता है इस साइड पे। मगरिब के बाद दुकानें बंद हो जाती, मगरिब से पहले भी बंद होना स्टार्ट हो जाती है एक साइड पे, और ये पूरी स्टेट है। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ये तुलसीदास स्ट्रीट के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हो बता दें। तुलसीदास स्ट्रीट के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत कदीमी स्ट्रीट है, क्योंकि मैंने भी तुलसी का स्ट्रीट का नाम बहुत कदीमी ही सुना है। तो तुलसीदास एक कोई हिंदू था। अच्छा, तुलसीदास कोई हिंदू था, उसके नाम से स्ट्रीट है। पहले तो सारे हिंदुओं के नाम से ही थी ना सारी स्ट्रीट वगैरह, तो ये स्ट्रीट ऐसी थी। लेकिन ये झाड़ वाली गली तो अभी आ गई, ये स्ट्रीट आ गई है राजकोट के नाम से, कर इन लोगों ने नया नाम दे दिया राजकोट स्ट्रीट कह दिया। अच्छा, ये राजकोट बन गई है अभी, राजकोट बन गई है। पहले तुलसीदास स्ट्रीट थी, फिर झाड़ वाली गली। किसी को भी रक्षा वालों को बोलो या किसी को भी बोलो, टैक्सी वालों को पढ़ाना आती हो, बोलो झाड़ वाली गली जाना, आपको यहाँ छोड़ेगा। ये इतनी कदीमी नाम है इसका।